मुरादाबाद जनपद से एक युवती ने 3 तलाक का मुकदमा दर्ज कराया है। साथ ही युवती ने अपने पति पर दहेज मांगने और मारपीट करने का आरोप लगाया है। दरअसल मामला कटघर थाना क्षेत्र का है, जहां एक युवती ने अपने पति के खिलाफ 3 तलाक देने की शिकायत करते हुए कटघर थाने में मुकदमा दर्ज कराया। वहीं पीड़ित युवती का कहना है कि उसकी 2 वर्ष पहले जनपद अमरोहा के नौगावा निवासी सलमान के साथ शादी हुई थी। सलमान अलमारी रिपेयर का काम करता था। वहीं पीड़िता ने बताया कि उसका पति सलमान काफी समय से उसे दहेज को लेकर परेशान कर रहा था और 2 लाख रुपए की मांग कर रहा था, जिसका युवती के द्वारा विरोध करने पर उसका पति उसके साथ मारपीट करता था। पीड़िता ने कहा कि पति ने उसको दहेज और पैसों की मांग पूरी न करने पर 3 तलाक दे दिया है। दूसरा साल है ये, नवंबर में 2 साल हो जाएंगे। कहाँ पर होती है? नौगावा में। क्या दिक्कत आई है आपको? मेरे हस्बैंड ने मुझसे 2 लाख रुपए मांगे और गाड़ी मांगी, इसलिए मुझे मारपीट की जम्मू में। फिर क्या हुआ? फिर उसके बाद इधर मुझे लेके आया, मेरे घर पे छोड़ के मेरे को तलाक दे के चला गया था। तलाक दे दिया आपको? जी। मारपीट जी, मेरे साथ में बड़ी ज़्यादा मारपीट कर रहा था, कहता था 2 लाख रुपए लेके आओ गाड़ी। कहाँ रहते? कहाँ हुई थी? नौगावा में, अमरोहा के। कहाँ मुरादाबाद के। उनका क्या नाम है? सलमान। क्या करते हैं? अलमारियों का काम करते हैं। अलमारियों का। आप पुलिस कंप्लेंट कर दी? जी। तो आप अरेस्ट कर रहे हो? जी जी। क्या चाहते हैं आप? मुझे ये बस यही है कि हाँ, इंसाफ मिले। अब आपको तलाक दे दिया? जी जी। युवती ने इस बात की शिकायत पुलिस से की है और इंसाफ की गुहार लगाई है। फिलहाल पुलिस ने आरोपी पति के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उसे जेल भेज दिया है और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है।